शूटआउट का एक और नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में बमबाजी और फायरिंग के बाद सिपाही राघवेंद्र जमीन पर गिरे हुए देखे जा सकते हैं। इस घटना में राघवेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। गुड्डू मुस्लिम ने यहां पर बमबाजी की थी जिसमें सिपाही घायल हुए थे। वीडियो में दिख रहा है शूटर्स के फरार होने के बाद लोग जख्मी सिपाही को मौके से उठाकर ले जाते हैं। खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है, जहां हत्याकांड में इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम वसूलता था गुंडा टैक्स। प्रयागराज के करीब 10 हॉस्पिटल से वसूलता था वो गुंडा टैक्स। शूटआउट में गुड्डू मुस्लिम ने बम से हमला किया था और पुलिस ने इस पर 5 लाख का इनाम भी रखा है। अतीक अहमद का खास गुर्गा है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू की खासियत ये है कि वो गोली नहीं बम मारकर ही हत्या की वारदात को अंजाम देता है। उत्तर प्रदेश के कई माफिया डॉन से लेकर मुख्तार अंसारी तक के लिए गुड्डू मुस्लिम ने काम किया है। बीते 10 साल से वो अतीक अहमद की गैंग में शामिल है। प्रयागराज में अतीक अहमद के लिए रेलवे के स्क्रैप और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कुख्यात गुड्डू मुस्लिम ही संभालता रहा है।